नमस्कार, वेलकम टू एजुटो। मैं हूं आपका टीचर शुभंकर। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप न्यू सेल्फ बना सकते हैं और सेल्फ में आपके हिसाब से टूल कैसे ला सकते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं, जो पहले से माया में सेल्फ बना हुआ है डिफॉल्ट, उसमें जो सेपरेटर है वो कैसे आप बनाएंगे, वो भी हम लोग इस ट्यूटोरियल में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू सेल्फ दो जगह से कर सकते हैं। फर्स्ट, ये जो सेटिंग्स दिख रहा है इसमें क्लिक कीजिए, यहाँ पे चले जाइए न्यू सेल्फ। आप यहाँ से भी न्यू सेल्फ कर सकते हैं। अब मैं नाम दे दिया, समझ लीजिए ए करके मैं कर दिया ओके। तो देखिए यहाँ पे न्यू सेल्फ आ गया है। और एक जो जगह है वो आपको जाना पड़ेगा, विंडोज सेटिंग प्रेफरेंसेस सेल्फ एडिटर। सेल्फ एडिटर ओपन करने के बाद आप यहाँ से भी न्यू सेल्फ बना सकते हैं। कैसे, देखिए जो नाम ए मैं लिया था ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्लस है आइकन, तो इसमें अगर क्लिक करेंगे और इसमें रीनेम कर देंगे, समझ लीजिए बी, तो देखिए वो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ बन गया है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हम लोग न्यू सेल्फ बना सकते हैं। अब सेल्फ में हम लोग मेनू या फिर टूल्स वो कैसे लाएंगे वो आपको देखना है। आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है, देन आप कोई भी टूल में जाइए। जैसे मैं क्रिएट में जा रहा हूँ, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, समझ लीजिए मैं स्पेयर क्यूब सिलेंडर एंड प्लेन लेता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये ध्यान में रखिए, कंट्रोल एंड शिफ्ट कीबोर्ड में प्रेस करके रखना पड़ेगा। अब इस सेल्फ के अंदर देखिए जो हम लोग टूल्स लेके आए हैं उसमें देखिए राइट क्लिक करने से यहाँ पे ओपन होता है, तो आपको सेल्फ एडिटर ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। देन राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन मिलेगा, तो क्योंकि यहाँ पे जो कमांड होता है, माया क्या होता है, नोड बेस्ड है, तो हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक स्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ एडिट भी कर सकते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं बाद में। उसके बाद क्या है, एडिट पॉपअप। एडिट पॉपअप पे क्या होता है, आप अगर नया पॉप मेनू कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे नया कुछ होगा, तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, स्क्रिप्ट एडिटर में जाइए, आपको पहले ये स्क्रिप्ट को हटाना पड़ेगा, रिमूव कर दीजिए। देन एक स्पेयर को ड्रॉ कीजिए, आप स्क्रिप्ट एडिटर में जाइए। देखिए ये जो स्क्रिप्ट है इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए कंट्रोल सी प्रेस करके, देन यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, एडिट पॉपअप कीजिए और यहाँ पे न्यू पॉपअप एक ले लीजिए प्लस में, इसमें नेम कर दीजिए एक कुछ भी, समझ लीजिए SPHERE स्पेयर। और यहाँ पे ये जो कमांड है इसमें राइट क्लिक करके एंटर मार के कंट्रोल वी प्रेस कीजिए। देखिए इसको अगर सेव कर देंगे, बंद कर देंगे, तो यहाँ पे एक नया पॉपअप आ गया। अब इसको डिलीट कीजिए, इसमें राइट क्लिक कीजिए, देखिए स्पेयर है, इसमें क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो स्पेयर उसी साइज का उसी सब डिविजन एक्सिस के साथ बन जाएगा। तो ऐसे करके आप सब में पॉपअप मेनू ऐड कर सकते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू। आपको अगर सेल्फ को डिलीट करना है तो क्या करना है, देखिए ये सेल्फ सिलेक्ट रहेगा, आप यहाँ पे जाएंगे डिलीट सेल्फ करेंगे तो ये सेल्फ डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कैसे सेल्फ का सेपरेटर ऐड करेंगे। सेल्फ सेपरेटर का आपको जो स्क्रिप्ट है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वो चेक कर लीजिए। आपको एक सेल्फ बनाना है, देन जो सेल्फ सेपरेटर का स्क्रिप्ट है उसको वहाँ पे लेके आना है। आपको पहले ही सेल्फ सेपरेटर जितना आप चाहिए आपको ऐड कर देना है, देन आपको टूल लाना है। ये ध्यान में रखिए, टूल लाने के बाद आप फिर से अगर सेल्फ सेपरेटर ऐड करना चाहेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं कैसे करूँगा, ये सेल्फ सेपरेटर का स्क्रिप्ट है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एक न्यू सेल्फ लूँगा, न्यू सेल्फ लेके यहाँ पे नाम दे दूंगा, समझ लीजिए my_tools। ओके, देखिए ये आ गया है। आप स्क्रिप्ट एडिटर ओपन कीजिए और यहाँ पे मेल के जगह में यहाँ पे वो स्क्रिप्ट को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कीजिए। देन इसको सिलेक्ट रखिए और फाइल में जाके यहाँ पे सेव स्क्रिप्ट टू सेल्फ कीजिए, इसमें कुछ रीनेम कर दीजिए, समझ लीजिए मैं ACP सेपरेटर के शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे कर दिया। अब इसको बंद कीजिए, अब यहाँ पे जितना बार क्लिक करेंगे सेल्फ सेपरेटर ऐड होता जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा बढ़ा के रख रहा हूँ इतना सेपरेटर। देन मैं क्या करूँगा, देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूँगा, क्रिएट में जाऊँगा, पॉलीगॉन प्रिमिटिव स्पेयर क्यूब सिलेंडर एंड प्लेन लिया,
अब इसको क्या करना है, जस्ट मिडिल माउस ड्रैग करके आप यहां पे पोजीशन कर सकते हैं सबको। ओके, इस तरह से हम लोग सेल्फ सेपरेटर को ऐड करेंगे। ये ध्यान में रखिए, आपको सेल्फ बनाने के बाद ही सेल्फ सेपरेटर को सब ऐड कर लेना है, बाद में आप ऐड नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, एरर दिखाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आई होप ये शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।